press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Thank you. So it's your first Ganesh Chaturthi with Sharad, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है. A little nostalgic and बहुत सारा gratitude भी feel कर रही हूँ. पिछली बार गणेश जी जब आए थे तो उनके साथ में आई थी, वो मुझे लेकर आए थे इस घर में. एंड उस दिन मैं अपनी नई फैमिली से पहली बार मिली थी और इस बार हम गनु जी को लेकर आए हैं एक साल के बाद. तो जी बिल्कुल, आई थिंक मैं तो इन्हें बहुत सालों से ला रहा हूँ और इस बार जो है एक नया एडिशन है फैमिली में, तो अच्छा लगता है कि रिप्सी जो है वो पहली बार सब कुछ एक्सपीरियंस करेंगे, पूजा से लेकर बापा का लाना जो कल हमने बापा और रात को लेकर आए. सो नया एक्सपीरियंस है इनके लिए और सब कुछ देख रही हैं, पहली बार हो रहा है, पूजा हो रही है, स्थापना हो रही है, लोग आ रहे हैं इतने और मिठाइयाँ हैं, सब कुछ है. सो फॉर हर इट्स अ वेरी न्यू थिंग, कभी इन्होंने कभी ऐसा किया नहीं है लाइफ में, ना कभी देखा है. तो बस वही है कि जब कोई नई चीज़ आप देखती हैं तो यू वॉन्ट टू लर्न, यू वॉन्ट टू अब्जॉर्ब जितना आप देख पाएँ, यू वॉन्ट टू फील एवरी मोमेंट कि अच्छा ये ऐसे हो रहा है, ये वैसे हो रहा है, लोग ये बोल रहे हैं. सो आई एम श्योर वो सब कुछ देख रही हैं, शी इज अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग. और इतने साल मैं बापा को लेकर आ रहा था, अब हम साथ में बापा को लेकर आए कल रात को, 12:30 के आसपास आई थिंक हम गए रात को एंड हम बापा को लेकर आए, तो अच्छा लगा. बहुत बहुत ही एक अमेजिंग फीलिंग होती है जो सब जानते हैं. पूरे साल में मैं वेट करता हूँ इन दो दिनों के लिए और अब ये भी वेट करेंगे, तो एक एडिशन हो गया है. एक जब परिवार में एक एडिशन होता है तो डेफिनेटली परिवार वालों को अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है, फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, कोएक्टर्स, बहुत लोग आएंगे आज पूरे दिन. मेरी फैमिली के कुछ लोग आए हुए हैं, यू नो इनकी मॉम आई हुई हैं, सिस्टर हैं, मेरी सिस्टर आई हुई हैं, तो हाँ मतलब लोग आए जा रहे हैं. और सुबह से ही जैसे आप देख पा रहे हैं कि बापा की स्थापना हुई है एंड ये शायद मेरा 9वां साल है और मैंने इतने साल अकेले ही किया है. सिर्फ फैमिली होती थी और मैं सब कुछ मैं ही करता था, बट इस साल रिप्सी ने भी डेफिनेटली बहुत हेल्प की है. नहीं मैं सच बताऊँ तो इसमें जो एक कलर पैलेट जो है वाइट गोल्ड और ऑरेंज एंड येलो, ये हम सब ने दोनों ने बैठ कर डिसाइड किया. हालांकि इनका ये आइडिया था कि वाइट एंड गोल्ड करते हैं क्योंकि पिछले साल मैंने वाइट एंड पिंक किया था. सो आई थिंक द वाइट एंड गोल्ड इन्होंने मुझे हल्का सा आइडिया दिया एंड देन आई थॉट व्हाई नॉट. एंड उसके बाद हमने थोड़े क्रिस्टल वगैरह यूज़ किए और यू नो सो मिली भगत है और उम्मीद है लोगों को अच्छे लगे. हम तो हर साल कोशिश करते हैं कुछ अलग हो एंड कुछ डिफरेंट हो. ये मेरी मामा ने भेजा है कलकत्ता से स्पेशली एंड शी कुडंट मेक इट टू द गणपति, इस बार आ नहीं पाए वो, बट आई वॉन्टेड टू हैव हर अराउंड इन सम वे. सो एक्चुअली बहुत साल पहले मैंने एक बार देखा था, आई थिंक मैं एयरपोर्ट से आ रही थी और मैंने गणपति एक किसी ट्रक में या कहीं किसी में लेकर आ रहे थे और लोग डांस कर रहे थे और बारिश हो रही थी. सो दैट्स अ वेरी स्वीट मेमोरी दैट आई हैव ऑफ गणपति जी की, उनको लेकर आ रहे हैं और लोग ज़ोर ज़ोर की गणपति बप्पा मोरिया कर रहे थे और भी म्यूजिक भी लग रहा था और लोग डांस कर रहे थे और बारिश करेंगे और बारिश भी हो रही थी. ट्रक नहीं होगा, बारिश होगी, हम डांस भी करेंगे, सब कुछ होगा, सिर्फ ट्रक नहीं होगा. आई एम श्योर ये सब बुक का एक्सपीरियंस करेंगे. सो एंड देन नेक्स्ट जो मैंने देखा वो था लास्ट ईयर. सो जी यार विश तो डेफिनेटली जो मांगते हैं हमें नहीं बोलनी चाहिए, बट मेरी विशेज बहुत बहुत लिस्ट बहुत लंबी है. मैं हमेशा कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा पिछले साल की बता देते हैं, पिछले साल की विश, इस साल की आपको अगले साल बताएंगे. पिछले साल की विश थी कि डेफिनेटली वो पूरी हो गई है. ये पूरी हो गई. इस साल की जो विश है वो डेफिनेटली पूरी हो गई है, बस काफ़ी है, कुछ और विश भी है.
तो आई थिंक कुड बी करियर के लिए हो या प्रोफेशनल हो या कुछ भी हो, बाकी गणेश जी को विघ्न हरता बोलते हैं, तो अगर एक चीज विघ्न हरतानी हो, अगर इंडिया के बारे में बात है, इंडिया के बारे में, या हां ऐसा एनीथिंग यू वांट टू ऐसा चला जाए तो क्या होगा, दुनिया को कुछ आई थिंक सबसे ज़रूरी है, आई थिंक जितने भी हमारे रिलीजन्स हैं आई थिंक सब एक ही हैं, तो आई थिंक आई डोंट अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ सिखिज़्म, व्हाट इज़ हिंदुइज़्म, व्हाट इज़ क्रिश्चियनिटी, व्हाट इज़ इस्लाम, सब एक ही हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं सब मनाता हूँ, हमीद भी मनाते हैं, हम होली मनाते हैं, हम गणेश चतुर्थी मनाते हैं, हम गुरुपूर्व भी मनाते हैं, तो व्हाट्स द प्रॉब्लम, और उतने ही हम एनर्जी से मनाते हैं, सो आई थिंक जितने लोगों को मैं जानता हूँ वो सब मनाते हैं, और जो लोग नहीं मनाते हैं उन्हें मनाना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक वी शुड नॉट बी डिवाइडेड बाय दीज वेरी वेरी स्मॉल पेटी इशूज अबाउट रिलीजन, इट्स ऑल इन द सेम, इट्स वन थिंग विच हैज बीन डिवाइडेड बाय अस, हमने डिवाइड किया है, उन्होंने डिवाइड नहीं किया है, उन्होंने कुछ भी डिवाइड नहीं किया, सो आई थिंक ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया इट्स इंपॉर्टेंट टू बी एज वन, ह्यूमैनिटी इज द रिलीजन फॉर मी, नथिंग एल्स, सो तालियां तालियां, मैं अच्छा नेता ही बन सकता हूँ आगे चल के, मेरी सपोर्टर, हाँ जी, गणपति बाप्पा मोरिया वाले बोला जो थे, गणपति बाप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया।